कार्यक्रम महाअभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस चरण में पार्टी 100 ट्रेनिंग कैंपों को आयोजित कर रही है। इन प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 30,000 पदाधिकारी प्रशिक्षित किए जाने। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय में जुलाई माह से ही एक विशेष ट्रेनिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लगातार प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हमारे के न्यूज इंडिया के संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने इसका जायजा लिया। प्रशिक्षण के पराक्रम के दूसरे चरण में 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 200 से ज्यादा कैंप लगाकर कार्यकर्ताओं को, जो पिछले 32 साल में गैर कांग्रेसी सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म में बांटा और उनको नुकसान पहुंचाया प्रदेश के लोगों को, कांग्रेस का जो स्वर्णिम इतिहास है हम उस पर जानकारी दे रहे हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो जन विरोधी चेहरा है, जो आरएसएस का काला सच है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, बूथ प्रशिक्षण के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो सारा प्रशिक्षण है, प्रशिक्षित ये विजय सेना 2022 में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका। तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 32 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत 2,00,000 कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, जो गांव-गांव जाकर कांग्रेस की उपलब्धियां बताएंगे और प्रदेश में जो बीती सरकारें रहीं उनकी कमियां गिनाएंगे। उसी के अंतर्गत आज दूसरे चरण का आगाज हो रहा है, जिसमें 30,000 कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशिक्षण से पराक्रम का कार्यक्रम कितना सकारात्मक रहता है और कांग्रेस को ये कहां तक पहुंचाता है। लखनऊ से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। मऊ जिले में